ग्लोबल फ्लायर्स बदनी कला जिन्हों का मोटो है वन वाइज डिसीजन फ्लाई टू सक्सेस, जिथे बच्चों आयल्स करवाई जाती है। ये वीजा कंसल्टेंट भी ने ते एयर टिकटिंग का काम भी इतने किया जाता है। इतों का स्टाफ बेहद क्वालिफाइड ते तजुर्बेकार है। मैडम चारे मॉड्यूल ही नहीं बल्कि जिस तरीके पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की गल कर लिए, बच्चे आते हैं उन्होंने बॉडी लैंग्वेज थोड़ी जी घबराई होंगी है, लेकिन जो जाते बच्चे बड़े फ्लाई करके जाते हैं। की कहना चाहोगे कि ये चारे मॉड्यूल की सिखाते? बच्चे ने किदा बोलना चलना उठना बैठना मीन के सारा कुछ होंगे ना। अज इधर इनवायरमेंट कुछ होर है एंड फॉरनर जाके कुछ होर हो जाता। ठीक है, फॉरनर च एनवायरमेंट का काफ़ी फर्क होंगे, उत्थे बोलना चलना बहुत तरीके आ मीनज के अलग तो होंगे आ मीनज उहदे लई वी असीं इत्थे सारा कुछ दसदे आ बच्चों नूं किवें होंदा। कुछ बच्चे होंगे आ उह स्टार्टिंग च उन्हां दा थोड़ा जिहा बच्चा वाला बिहेव होंदा। ठीक है, जो बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजस आ जाते हैं। किवें आ जाते हैं कि वह टीचर के सिर पर भी होंगे है मीनज के बच्चे ने भी वह देखते रहेंगे, टीचर गाइड करते उन्होंने भी किदा की करना वा एंड बच्चा भी उन्होंने देखता है तो वह अपने आप ही उस चीज़ को कैच करता है ना भी टीचर का बोलन का वे की आ जा मैं बाहर जाके किवें बोलना वा। ये टीचर बच्चा भी कैच करता है तो इदा ही वह अपनी मीनज के परसनैलिटी डिवेलप करके ही निकलता वा जो भी जाता है ना बच्चा। साढ़े लिए तो यही होंगे सानू पता बाहर कोई जाके कहे ना कि बच्चा उतों पढ़ के आया वा ग्लोबल क्लास चो पढ़ के आया वा तो बच्चा देखो वह कॉन्फिडेंस लैवल कितों तक पहुँचा वा ना। तो यह असी यही चाहते हैं कि बाहर जाके कोई दूजा भी कहे ना कि हाँ ग्लोबल क्लास तो पढ़ के आया तो उत्थे जाके देखो टीचर किदा दे आ बच्चे बोलन का तरीका भी पता सगा अज आयल्स के नाल नाल किदा भी मीनज वह कॉन्फिडेंस लैवल कितों तक पहुँचा वा ना। असं यही चाहते हैं कि बच्चा कला आयल्स नहीं होर भी चीज़ा सीख के जाए। हाँ जी सर, जो बच्चे आते इतों ना इन्ना बहुत नर्वस होंगे उन्होंने एवं लगता कि असी साडा लैवल बहुत लो आ दूसरे तो ना स्टूडेंट जिन्होंने देखते हैं, बट जो इतने आते असं उन्होंने इन्ना क फनी तरीके उन्होंने इंग्लिश सिखाने बच्चों इनोवेट करते हैं इतने आके तो बच्चों अलग जी एक एलैग्रिटी आती है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट कैन यूज हिज पोटेंशियल एंड कैन फ्लाई हाई। सर ये होंगे क्योंकि जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं जो कई बार एवं होंगे कि दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाने लगते अगर वो इंग्लिश में बोलने की ट्राई भी करते हैं तो अगर बच्चे थोड़े हैजिटेशन में रहने लग जाते कि शायद सानू उन्ना वधिया नहीं सर तो बोलिया आता तो कि असं उन्होंने सिखाने कि हौली हौली जिमें चाहे गलत बोलन चाहे सही बोलन कई बार उन्होंने डिबेट करवाने डिस्कशन करवाने बच्चे अलग अलग आपके ग्रुप बनाते हैं तो उन्होंने असं कुछ नहीं करते उन्होंने फिर डिबेट करते हैं उन्होंने लैवल इनक्रीज़ होंगे वो देख लेंगे कि दूसरे स्टूडेंट भी कुछ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लैवल हाई है फिर साइमल्टेनियसली बच्चों को लैके चलते हैं अलग अलग उन्होंने होमवर्क देने करने के लिए एवं उन्होंने जो ग्रामर है वो हाई हो जाती है। सिर्फ एब्रॉड जाने के लिए नहीं इतने भी उन्होंने जो जॉब करते हो इतने भी बहुत वो उन्होंने लिए काम आता है इंटरपर्सनल स्किल्स जो है इंप्रूव होंगी इंटलैक्चुअल बनते हैं। सारी टीम ने इतों के एम डी गलबात की। दर्शकों किंज जाइए प्रदेश प्रोम तुहाड़ा स्वागत है। अज असीं आए हाँ ग्लोबल फ्लायर्स जिहड़े पिछले लंबे समय तो बदनी विखे चाहे वह आईलैट्स की गल हो पीटी की गल हो चाहे वह स्टडी वीज़ा की गल हो सारिया सेवावां जिहड़ियां हैगियां कुछ रूफ के थले दे रहे हैं। साडी मुरादा ग्लोबल फ्लायर्स के एम डी साहब जिहड़े ने उन्हां नाल असीं गलबात करन जा रहे हैं। सर तुहाड़ा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मेरा नाम रजत पलता ग्लोबल फ्लायर्स तों। रजत जी जिस तरीके दे नाल बड़े शॉर्ट पीरियड दे विच ही तुसीं बदनी कि बल्कि आस पास के इलाके भी अपना नाम बना चुके हो और आईलैट्स की गल कर लिए जिस तरीके टीचर्स का तुहाडे पढ़ाउण दा स्टाइल हैगा जिस तरीके स्टडी वीज़ा की गल कर लिए जिस तरीके फाइलिंग की गल कर लिए रिफ्यूज्ड वीज़ा की गल कर लिए बड़े माहर हो इन्हां चीज़ों के कहना चाहो? देखो सर मैं ये गल कहना चाहूँगा आप कोई भी काम है पूरी आपकी मेहनत न करिए है ना जी पूरे लगन न करिए ईमानदार न करिए सफलता मिलती मिलती है तो बाकी रिस्पोंस पिंडा चो अपने आसे पास के सारे एरिए बहुत अच्छा रिस्पोंस आ रहा तो बहुत ही वधिया रेपूटेशन एक तो बहुत वधिया रिजल्ट्स भी आ रहे विजल्स के अपने आयल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे विजल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे जी। सर सब तो वही गल है जी ग्लोबल फ्लायर्स है जी वो एक पॉजिटिविटी लैके चलता है और चाहे वो उन्हों मतलब वो नुकसान भी हो जाए ग्लोबल फ्लायर्स का लेकिन जोड़े स्टूडेंट का वीज़ा नहीं लग सकता तो पहले ही उन्होंने मतलब इनकार कर देंगे नहीं भी ये चीज़ नहीं हो सकनी और हमेशा कोशिश यही करते हो कि बैंड स्कोरिंग है जो बच्चों के वो हाई टू हाई होन बच्चों की परसनैलिटी डिवेलपमेंट बच्चों का बॉडी लैंग्वेज बच्चों कि उन्होंने इंटरव्यू के बैठना पहला प्रिपा कर देंगे हर चीज़ के लिए कि बच्चों के लिए वो ईजी जहा हो जाता।
देखो सर ये जिहड़ी तुसीं गल करी है मतलब कई बच्चों आपां मना कर दिंदे जिन्हां दा वीज़ा नहीं लग सकता, एक ट्रस्ट फैक्टर हुंदा जी, इदां ही हौली हौली किसी ब्रांड का नाम बनता, ट्रस्ट बनता लोगों नूं हौली हौली। मान लो अज मार्केट दे विच इहो जिहे एजेंट बैठे है जिहड़े किसी भी तुसीं एड्स तुसीं तां करदे हो मीडिया नाल जुड़े हुए हो, तुहानूं बहुत नॉलेज है इस काम बारे, पांच पांच ब्रांड से कहिंदे कनेडा का वीज़ा ला देंगे, विदाउट आयल्स असीं कनेडा का वीज़ा ला देंगे, इन्ना फ्रॉड है मार्केट सर ये काम प्रति। बट इनू ये जिन्ना आप सोध करके कर सकते, जिन्ना आप सही करके कर सकते, सही गाइडेंस करके। कई बार होंगे लोग साढ़े को आते है उस तो बाद वीज़ा फाइल दिखाते जी मना भी कर देंगे, उन्होंने चैन नहीं आता जी, वो अगे किसी होर एजेंट्स को किसी वे शहर जाके ट्राई करते, वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे एक वीज़ा मगर घट्टो घट्ट उन्होंने दो तो ढाई लाख का नुकसान होंगे। असं कोशिश करते हो नुकसान ना हो, इस तो अच्छा ये बच्चा दोबारा प्रिपरेशन करके आयल्स की दोबारा एक बार आयल्स का एग्जाम दे, एक प्रॉपर चैनल जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन अंबैसी ने बनाए है वो अकॉर्डिंगली वीज़ा फाइल होगी। सर जिस तरीके फाइलिंग की तुम गल कर रहे हो, तुम सिंटेकली बड़ा हाई हो इस चीज़ के, और फाइलिंग तुम खुद जरा है इंटरवीन करते हो और उन्होंने कोई भी एरर नहीं छड़ते गए और बड़ी मेहनत के नाल फाइलिंग पहले ही मतलब जो है सोध के और खुद जो है इंटरवीन हो गए। यह भी कारण है कि जो स्टडी वीज़ा के तहे लगाए हुए वीज़े होंगे वो तकरीबन जोड़ा है, क्योंकि तुम बैंड की पहला गल कर ली, बैंड स्कोर वधिया हो उस तो बाद बच्चों का माइंड सैटअप देख लेंगे हो, और उस तो बाद फाइलिंग के भी जान पा दें भी सिंटेकली कोई एरर बहुत घट हो। बिल्कुल सर, जो भी फाइलिंग तैयार होंगी है तकरीबन मोस्ट ऑफ फाइल्स मैं तैयार करता, जे साडा कोई स्टाफ तैयार करता तो उदू बाद चैक जरूर होंगे, एक सारी फाइल मैं प्रॉपरली रीड करता सारा कुछ होंगे, उस तो बाद ही साड़ी फाइल लॉन्च होंगी है। तो सैकेंडली मान लो जदों ये फाइलिंग होंगी है ये भी बड़ी टैक्निकल चीज़ा जिमें कहता आयल्स का हो गया कुछ हो गया, कुछ तो सानू बच्चों वालों मिल जाए जी चीज़ा, या जिहड़ी एजेंट के हाथ होंगी एक एस ओ पी चंगी बना के लाने नाल जी, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ परपस जिहड़ी बच्चों के स्टूडेंट वीज़ा च लगती लगती है, ठीक है जी, ये चीज़ा हो गई, या जिहड़े होर डॉक्यूमेंट्स एजेंट्स जिहड़ा बच्चों नूं गाइड कर सकता भी ये सानू प्रोवाइड कर दो, असीं प्रॉपरली उन्होंने गाइड करके डॉक्यूमेंट्स लैके, चाहे सानू वीज़ा की कोई काहली नहीं होंगी, जो पाँच दिन दस दिन लेट भी ला देंगे बट डॉक्यूमेंट्स में कोई भी असी कमी नहीं छड़ते। सर जिस तरीके असी बाहर देखिया कि काफ़ी जिहड़ियां फोटोग्राफ्स जिहड़ियां लगियां और मेरा ख्याल कंध भी भर चुकी है, होर भी मतलब नए नए वीज़े तो बाद भी तुहाडे आ चुके ने, की कहना चाहोगे कि बाहर भी तुहाडा एक ऐसा नैटवर्क हुण बन चुका है कि वो बच्चे जिहड़े बाहर जा वड़े ने उन्होंने हरेक हार्डशिप नूं सह के अपने वीज़ा दे नाल ओ स्टडी वीज़ा लगा के अपना काम कर रहे हैं, वो बच्चे भी तुहाडा एक पॉइंट ऑफ फोर्स बन के बाहर गाइड करते, जिहड़ा बच्चा नया जांदा तुहाडा वो बच्चे नूं पिक करन दे विच उस बंदे नूं ट्रांसपोर्टेशन दे विच या कोई होर भी कोई उहनूं प्रॉब्लम आउंदी है तो तुहाडे उह जिहड़े गए हुए लोग ने तुहाडे थ्रू भेजे हुए बच्चे ने वह उत्थे जाके उहनां नूं गाइड करते हैं, एक तुहाडा फैमिली सपोर्ट ग्रुप उहदी तरह जिहड़ा ग्रुप बने हुए। बिल्कुल सर ये चीज़ है, आप हर बच्चा नहीं कह सकते, कई बच्चे बिजी भी होंगे है ना जी, कई आपदियाँ मजबूरियां होंगे, बट कई जिहड़े बच्चे उत्थे जाके सैटल हो चुके हैं, मेरी ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों का मेरी गलबात हजे भी फोन पर हो जाती है, चाहे महीने में एक कॉल आए जो बाहर गए हैं, चाहे दो महीने में एक कॉल आ जाए, मतलब वो हेल्प करने रेडी होंगे, कोई बच्चा इधरों जाता भी है। मान लो कुछ बच्चे मेरे है, एक बच्चा तो उत्थे जाके कॉनेस्टोगा कॉलेज है जी, कॉनेस्टोगा कॉलेज से उन्हें जिमें अपने इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज इलेक्शन होंगे उत्थे भी एक इलेक्शन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे मैंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बनया जी, मैंबर बनया उहदे विच सत्त होंदे टोटल एक ओह है, जदों भी उत्थे कोई काउंसलिंग होंदी है नवें बच्चे की जां जदों बच्चा जांदा ओरिएंटेशन होंदी है वह खुद स्टेज पर बैठा हुंदा, लड़के का नाम प्रभजोत सिंह मोड़ मंडी तो है जी, उहदा वीज़ा भी आपां ही करिया, तो स्टिल बड़ी पॉजिटिविटी आउंदी है। तुसीं कहिंदे पिक वाली गल, पिक भी कर लेंदे आ, प्लस जे किसी नूं 5-7-10 दिन रहने लिए कई यार किसी का सहारा नहीं हुंदा, वैसे तां पंजाब च अपने ऑलमोस्ट सारे दे रिश्तेदार हुंदे आ जी बाहर, बट कई यार किसी का नहीं भी हुंदा, कोई 5-7-10 दिन की स्टे भी दे दिंदे जी, कोई इहो जी गल नहीं, मतलब बड़े अच्छे बच्चे हुण तक जुड़े, बहुत चंगी पॉजिटिविटी है सारिआं दी। सर जिदा आप इतने आईलैट्स का तुम सेवा दे रहे हो और अपने टीचर्स नूं पहला काउंसल करते हो कि भाई ये अपने बच्चे जिहड़े हैगे आ ओह इन्हां दा भविष्य अपने उपर हैगा, और टीचर्स नूं कि जदों इन्हां दी बैकग्राउंड जिहड़ी किसी की गवर्नमेंट स्कूल की आ या किसी नूं मतलब इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने तुम बड़ा ईजीली लैना हैगा, ये नहीं गल कि तुम सोचो कि असं इतने टीचर्स है, नहीं तुम उन्होंने बच्चों के लैवल के उत्ते जाके उन्होंने अपने उत्ते हंडा के बच्चों का माइंड सैटअप किदा उन्होंने देख के स्टडी करके उन्होंने माइंड सैटअप में जिदा पहले तुम एग्जाम लेंदे हो जो बच्चा आता है एग्जाम देकर कि ग्रामर चो कि है कि कहना चाहो। सर ये इदा जी पहला जिम्मे मैनशन कर ही दिता एक ग्रामर का एग्जाम छोटा जहा लेता वो बच्चे का एक लैवल पता लग जाता जे ग्रमैटिकल मिसटेक ज़्यादा या स्पैलिंग मिसटेक बच्चा की यार प्रॉब्लम होंगी है पंजाब
मीडियम पंजाबी मीडियम सॉरी पढ़े ने उन्होंने प्रॉब्लम होंगी है कई बार उन्होंने उसके लैवल के अकॉर्डिंगली एक बार ग्रामर क्लास या आयल्स क्लास टैसट डिसाइड करता जी कि जाना उस तो बाद ये बच्चे पर डिपेंड करता कई बच्चे तो विद इन अ मंथ भी कवरअप करके जी सारा तो आयल्स का एग्जाम लिए प्रिपेयर हो जाते कई दो तीन मंथ्स भी लग जाते बिकॉज ये कसूर कोई बच्चे का कसूर नहीं ये अपने एजुकेशन सिस्टम का कसूर है जी मान लो जिहड़ा बच्चा शुरू तो लैके आपका एल के जी तो लैके यू के जी तो लैके ट्वेल्थ तक सारिया बुक्स उन्हें पंजाबी पढ़िया तो हूँ एकोदम आके आप उन्होंने इंग्लिश थूक देंगे भी इंग्लिश तुम्हें करना जी ये उन्होंने बहुत मुश्किल आती है बट इदा की गल नहीं है कि वह कर नहीं सकते बहुत बच्चे साढ़े इतों जोड़े आयल्स करके जाते हैं एक छोटे इलाके होने करके असी इतने एक ये सिस्टम रखे ये सिर्फ कोई कमाई का साधन एडा बनाने लिए काम नहीं करे जी ए मेन मोटिव यही है कि बच्चे एजुकेशन भी अच्छी प्रोवाइड हो गई हूँ असी इतने आसे पासे देखियो जी फीस काफ़ी ज़्यादा आयल्स क्लासेज की आप पर मंथ 4500 रुपीज़ फीस रखी है सिर्फ उन्हों का खर्चा कवरअप हो जाए जहाँ इंस्टीट्यूट का जोड़ा टीचर्स का वो खर्चा कवरअप हो जाए बट सानू मेन चीज़ यह होंगी भी बच्चा आयल्स क्लीयर करे इंस्टीट्यूट का नाम बने ठीक है जी प्लस उदू बाद जी वीज़ा फाइलिंग वगैरह होंगी है वो सा अच्छा पॉजिटिव आउटकम आता सर चाहोगे कि जिस तरीके बॉडी लैंगुएज चेंज कर हो जाती हैगी जो बंद आईलैट्स कर लेंदा है और ग्लोबल फ्लायर्स क्योंकि पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट भी थोड़े इतने वो भी इंफसाइज करते हो तुम की कहना चाहोगे कि यह कला बाहर जाने का ही नैटवर्क नहीं है आईलैट्स बल्कि इतने इंडिया भी जिन्होंने रहना जिन्होंने इंडिया रह के कोई सर्विसिज करनी है या किसी होर डिपार्टमेंट भी काम करना है कितने भी जाना यह हरेक दे आईलैट्स का जी अजक एक नसैसिटी बन चुकी सर नसैसिटी तो नहीं कह सकते बट ये तुहाडे कहने वाली गल इहदे पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट भी होंदी है हुण मान लो कि आपां जाने बच्चा पंजाबी गल कर रहा या हिंदी गल कर रहा कि जॉब लई भी जा रहा जे उहदी इंग्लिश अच्छी होएगी उहनूं कितें ना कितें प्रैफरेंस मिल जाती है उस जगह पर भी ये चीज़ पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट भी होंदी है प्लस एक तुसीं नवीं लैंग्एज सीख रहे हो इहनूं वेलकम करना चाहिए नवीं लैंग्एज यह वर्ल्ड वाइड बोली जाती है इंटरनेशनल लैंग्एज के तौर पर इंग्लिश नूं लिया जाता अपने वर्ल्ड च सो मेरे हिसाब से यह एक पॉजिटिव थिंग है जे तुसीं बच्चा करना भी चाहुंदा कई आयल्स नहीं करना चाहुंदे सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहुंदे है उन्हां लई भी मोस्ट वेलकम है जी सर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद सानू समां दित्ता जांदे आंदे की तुहाडा दर्शकां नूं रहेगा मैसेज क्योंकि अज माँ बाप जिहड़े हैगे आ वह अनपढ़ ने बेचारे उन्हां दे मन जिहड़े हैगे बड़े उदास ने चाहते हो बच्चे नूं बाहर जाना क्योंकि पंजाब दे विच जिस तरीके नाल हुण आपां देख सकते हैं कि अपने किसान वीर जिहड़े हैगे आ अज महीना बद्धी हो गए जिहड़े हैगे आ वह सड़कां ते बैठे ने कोई इत्थे किसी की सुनवाई नहीं हो रही है और कोई इनकम के साथ सोच वधिया नहीं है ठीक है सर सारे ना पहले तुहाडी गल का जवाब देने तो पहले मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा तुहाडा धन्यवाद करना चाहूँगा जी आप सैकेंड टाइम अज मिले इतने इकट्ठे हुए हैं बहुत वधिया लगता तुहाडे नाल मिलके भी तुहाडे नाल आउण नाल भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है साडे इंस्टीट्यूट च बहुत वधिया लगता जी सैकेंडली जिहड़ी गल है जी मेन पढ़ाई दे विषय ते जां एक कॉमन मैसेज यही है जी किते भी मेहनत दा लड़ना छड्डो कोई भी चीज़ फड़ ली उहदे पंजाबी च कहंदे वांगू उहदे पिछे पै जाओ उन्होंने छड़ो ना मेहनत करोंगे तो चीज़ हासिल होएगी यही आयल्स लिए इंप्लीमेंट है यही जिहड़े धरने ते वीर भाई साढ़े बैठे ने अज दिल्ली बैठे ने संघर्ष कर रहे ने भी इस चीज़ के पिछे ही बैठे ने मेहनत उत्थे आपका संघर्ष जारी रख रहे ने छड़ नहीं रहे चीज़ के पिछे पै गए है ये मैनू पता भी वह फतेह करके वापस आएंगे इस चीज़ में तो मेरे वालों उन्होंने बेस्ट विशेज है तो बाकी जो भी साड़ी संस्था वालों हो रहा जिमें भी जिन्ना साढ़े तो होंगे असं कर रहे हैं जी उन्होंने भी थैंक यू जी थैंक यू